हम इस वक्त पत्नी टॉप में हैं और ये आप देख सकते हैं ये सारी अनऑथोराइज पार्किंग है। ऊपर पार्किंग के लिए स्पेस बनी हुई है लेकिन पर्यटकों को लेकर जम्मू से हो, उधमपुर से हो या किसी भी जम्मू कश्मीर के कहीं भी जम्मू कश्मीर से हो, गाड़ियां यहां आती हैं और पार्किंग जो है वो सारी की सारी सड़क के ऊपर होती है। वो आप देख सकते हैं चूँकि यहाँ से टैंकरों के आने के लिए रास्ता है, वो आप देखिए वहाँ कितनी बर्फ़ है और उस बर्फ़ के बीच से इसको अपना टैंकर निकालना है, कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी इनको हो रही है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर और रामबन के डिप्टी कमिश्नर, चूँकि ये रामबन वाली साइड आता है तो रामबन के डिप्टी कमिश्नर, उन्हें कम से कम इस इलाके की तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपने पर्यटकों को यहाँ आने की इजाज़त दी हुई है तो पर्यटक बजाय पार्किंग, जहाँ पर पार्किंग स्पेस बनाई गई है वहाँ पर पार्किंग करने के, गाड़ियाँ अपनी सारी की सारी जो है इस लेन में यहाँ पर पार्क करते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत है। और ये मेटाडोर्स हैं, ये विंगर गाड़ी है, पर्यटकों को लेकर डेलिब्रेटली ये लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद नज़ारा दिखाने के चक्कर में ये लोग पूरे का पूरा रास्ता जो है ब्लॉक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टैंकर आ रहा है और टैंकर के लिए कितनी दिक्कत है, जबकि ये डबल लेन रोड है और इस डबल लेन रोड पर आराम से टैंकर चल सकता है। ये दिक्कत और परेशानी का सामना जो है यहाँ पर टैंकरों को भी करना पड़ता है और साथ में जो लोग बटोत के रास्ते से ऊपर आ रहे होते हैं उन्हें यहाँ पर इस जगह जैसे जो है कंजेशन का सामना करना पड़ता है। वो आप देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, ये आप देखिए यहाँ से पूरा आगे तक जितनी लाइन है सारी इलीगल पार्किंग है, किसी को पार्किंग की परमिशन नहीं है, लेकिन पर्यटकों को यहाँ पर लाना और उन्हें बजाय वहाँ जहाँ पार्किंग की स्पेस है, सब कुछ है, वहाँ पर ले जाने के यहाँ लाना और इस रास्ते को ब्लॉक कर। आप ये देखिए गाड़ियाँ यहाँ चल ही नहीं सकती क्योंकि इस पूरे एरिया में ये गाड़ियाँ इलीगली पार्कड हैं। ये आप देखिए आगे से टैंकर आ रहा है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। अब आप खुद हिसाब लगाइए, खुद सोचिए कि अब फिर दोबारा से इसको गाड़ी बैक करनी है, फिर वापस आना है और वापस आकर तब जाकर टैंकर यहाँ से निकलेगा। अदरवाइज़ आप देखिए ये सारे का सारा ये जो है उधमपुर और ये जम्मू और रामबन की गाड़ियां हैं, जिन उधमपुर जम्मू और रामबन की गाड़ियां यहां पर आती हैं, इलीगली पार्क होती हैं इस पूरे एरिया में। और करते भी किस चीज़ के लिए हैं कि 35 रुपये पार्किंग के बच जाएं। वो देखें आप, वो टैंकर है, सामने गाड़ी है, इसे बैक करना है, बैक करके फिर वापस आना है, वजह क्योंकि यहाँ पर इलीगल पार्किंग हुई हुई है। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लेकर इतना ही कहा जा सकता है कि जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ पर भी वो मौजूद हैं, और लेकिन जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर वो आपको मिलेंगे नहीं। पुलिस का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पुलिस अगर है तो इस इलीगल पार्किंग को रोकने का काम पुलिस क्यों नहीं कर रही। ये आप देख सकते हैं ये टोटल इलीगल पार्किंग है, ये बिल्कुल यहाँ से आप देखिए सारे की सारी, ये देखिए इलीगल पार्किंग है। अब ऊपर से टैंकर आया, जब तक अब ये गाड़ियाँ इस तरफ से निकलेंगी नहीं, लोगों को अपनी गाड़ियाँ रिवर्स करनी है और इंतज़ार करना है कि कब ये भाई साहब जो पर्यटकों को लेकर यहाँ आए हैं, कब ये भाई साहब को कोई बताएगा कि आपने गलत जगह अपनी गाड़ी पार्क की है, आपको पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी चाहिए थी। और ये पूरी सारी गाड़ियाँ ऊपर तक पार्क हैं और ये खुद इन लोगों ने मुझे बताया कि 1 किलोमीटर तक ये पार्किंग है और 1 किलोमीटर तक यही दिक्कत यहाँ से चलने वाले लोगों को झेलनी पड़ती है।